तो भाई हम लोग लुलू मॉल देखने जा रहे थे, यहाँ पे शहीद पथ पे इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ है ना ट्रक का, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा खतरनाक हुआ है। देख के लग ही नहीं रहा होगा कौन बचा है कौन नहीं बचा है, देखना आप। भाई साहब कब हुआ था भैया ये, कब हुआ था ये? देखे ना दोस्तों, इतना ज्यादा मतलब ट्रक का आगे का हिस्सा पूरा का पूरा पीछे चला गया है, कितना ही ज्यादा खतरनाक हुआ होगा। भाई लोग सुरक्षित चलो, सेफ चलो, चलो अब हम लोग भी चलते हैं लुलू मॉल देखने। भैया लुलू मॉल, भाई मेरे सामने लुलू कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, तो उसके अंदर चल रहा है यार, मैं पक्का कह रहा हूँ आईफोन 13 प्रो मैं खरीद ही लूंगा। तो आज है मंगलवार और दोपहर के बज रहे हैं 3, तो अपने हम फिर अपने पुराने दोस्तन के साथ आ गए हैं लुलू मॉल। एक वीडियो तो मैंने बनाई जिस पर सब कुछ मैंने बताया, एक और ऐसे ही घूमने फिरने आ गए। तो ये पीछे हैं दोनों मेरे दोस्त और दोनों का नाम है अंकुर वर्मा। तो चलो यहाँ से चलते हैं अंदर और खूब सारी मस्ती मजाक करते हैं। ओ भैया मेरा वो छू रहे हैं वे, तो ये अभी भी वैसा ही है जैसे ओपनिंग में था, और काफ़ी सारे स्टोर यहाँ पे खुल गए हैं। और वो देखो मेरे दोनों दोस्त जा रहे हैं आगे, हमको छोड़ गए। अरे यार रुको, हमको तो ले लो नहीं भटक जाएंगे इतने बड़े मॉल में। और हैं तो सीधे एंट्री कर लिए वहाँ से, सीधे चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो भैया लोगों को कुछ यहाँ पे लेना होना है, क्या लेना है भाई, क्या लेना है तो बताओ। भैया को जूता लेना है, जीन्स लेंगे और टॉवल्स लेना है, और दूसरा वाला कह रहा जो भी लेना है वो लेना है क्योंकि भैया पैसे वाले हैं। तो बाकी बात बताते हैं। तो भैया देख रहे हो ना, हम लोग आ गए हैं मैक्स में। तो दोस्तों सिर्फ मैक्स वाले ने सिर्फ मेरे लिए गेम खेलने के लिए देखो यहाँ पे टैब लगा रखा है, और ये हमने टैब ऑन किया और यार क्या गेम खेले इसमें, तो केवल ऐड ही ऐड आ रहा है। अरे यार कहाँ गए मेरे दो अनमोल रतन, ओ वो देखो वहाँ पे कुछ छानबीन रहे हैं। दोस्तों कुछ मिला यार, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं है कैमरे के सामने, बस अपना ही। चलो फिर हम अपना ही घूमते हैं। किसका पेट ज़्यादा निकल रहा है कमेंट करके बताना हम तीनों में से। अबे अंदर मत कर साले। कैसा लग रहा है आपका भाई? गड्ढा लोग हम लोग दो स्टोर में घूमे हैं, एक मैक्स में गए ना और एक पेंटालून में गए ना, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ लिया जाए कहाँ ना लिया जाए। और ये मेरे पीछे ग्राउंड फ्लोर है, डर लग रहा कहीं जो टूटा फूटा मोबाइल है वो गिर के टूट ना जाए। चलो बे और कहीं चले यार, ये दोनों बड़े आलसी हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं। अभी इस वाले वर्मा ने एक बहुत ही मस्त जोक मारा है जो हम सुना नहीं सकते। कह रहा छत पे बैठ के मतलब पड़ रहा है तो इतनी तेज हंसने लगे कि नीचे वाले कहने लगे क्या हुआ भैया काहे इतनी तेज हंस रहे हो। बस वो आपस में हो सकता है सुना नहीं सकते, नहीं तो हम आपको सुना देते हैं। इंस्टा पे शेयर कर देगा ये, कुछ नहीं कर सकते बस थोड़ा वो। भाई मेरे सामने लुलू कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, तो उसके अंदर चल रहा है यार, मैं पक्का कह रहा हूँ आईफोन 13 प्रो मैं खरीद ही लूँगा। मेरे दोस्त भी आए, जो कुछ पैसा कम पड़ेगा सालों से उधार ले लूँगा, और कहाँ गए वे उनसे उधार लूँगा और पक्का मैं खरीद लूँगा। देखते हैं अंदर चल के ये है। भाई साहब अंदर आ गया, मैं पूरी की पूरी मार्केट खरीद लूँगा। सब बर्बाद हो गया, जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। जैसे ही अंदर घुसे
सीधे सीधे बड़े अक्षरों में लिखा था नो फोटो नो वीडियोस, और इन लोगों से कहा थोड़ा चुपके बना लो एक प्रैंक हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने कुछ कर ही नहीं पाया। भाई साहब यहाँ से मेरे पीछे वाले देख रहे हो ना, वो मल्टी लेवल कार पार्किंग है और ये सब। यहाँ के फूड कोर्ट में हमें लगता है कि जब तक मॉल खुला था तब तक यहाँ खचाखच भरा ही लगता है। यहाँ से दूर से देखने में तो एकदम मछली मंडी लग रहा है। अभी चलते पास में फिर और आपको दिखाते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। कुछ खाओगे? ये लोग कुछ कहते ही नहीं है और खाने के लिए पैसा भी नहीं है, मैं ऐसे ही केवल पूछ रहे थे मन की तसल्ली के लिए। ज़्यादा लोग देख रहे हो ना यहाँ फूड कोर्ट में कितनी ज़्यादा भीड़ है। सामने से हटो, जरा भीड़ दिखावे तो हमका अपनी वीडियो में देख रहे हो। ऐसा लगा जैसे यहाँ पे फिल्म बटा तो भाई, लेकिन क्या किया जाए। डोमिनोज है, पिज्ज़ा है, बर्गर पॉइंट है, देख रहे हो ना एकदम मस्त मस्त। सबसे ज़्यादा भीड़ तो मैं लगता है इसी में है। अरे सुस्त सुस्त लग रहे हो यार, क्या बात है। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है कि बीवी छोड़ के चली गई है? कुछ बोलता ही नहीं है, यही तो आदत है। मतलब मोबाइल का कैमरा ऑन करो ना तो ये लोग ऐसे बहुत बोलते हैं, जैसे ही सामने लाओ खत्म टाटा बाबा। भैया लोग हम लोग ने डिसाइड किया है कि चलो से पहले चेयर पे बैठते हैं फिर बताते हैं। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि बर्गर किंग का खाते हैं बर्गर। एक हम खाएंगे कि एक वो तीसरा गया है ऑर्डर लेने, देखते क्या लेके आता है। अपना तो वेज है और ये दोनों नॉनवेज खाते हैं, तो एक बार बता देते हैं भैया वेज लेके आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भैया अपना ऑर्डर कहाँ गया? 209। पैसे का पैसा है तो पहले वेटर भी बन जाओ यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग का ऑर्डर आ गया है। कोक है, दो वेज है, एक नॉन वेज है और ये फिंगर चिप्स है। अब बारी आती है बर्गर खाने की अपनी वेज। यार ये तो सूखा सूखा दे दिया, हमको डाला ही नहीं। वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा जो स्ट्रीट फूड में आता था। पूरा खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो भैया आ गए हैं प्ले जोन में, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का भी है, बड़ों का भी झूला है खूब है, और ये टिकट काउंटर, यहाँ से जो अपना कार्ड वार्ड बनता है। यार इस बार तो धोखा हो गया, जो गेम जोन था पिछली बार जो मैं पूरा दिखाया था आपको कौन कौन सा झूला सब कुछ दिखाया था, लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि बिना कार्ड के अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब कि मेरे दोस्त लोग आए थे, हमने सोचा था इनको दिखाएंगे क्या क्या झूले हैं, अगर झूलने का मन होता तो झूलते भी, लेकिन अंदर ही नहीं जाने दिया। कह रहे पहले कार्ड बनो उसके बाद अंदर जाने देंगे। हमने कहा कार्ड तो भैया बनवाएंगे नहीं, क्योंकि 2000 रुपये का कार्ड बनता है, तो इतने तो पैसे हैं नहीं हम लोगों के पास। तो और आपको फिर आज घंटी वाली आइसक्रीम दिखाते हैं। तो यहाँ पे तो हमेशा भीड़ रहती है। पिछली बार आए थे तो यहाँ पे भैया जी थे, लेकिन इस बार यहाँ पे दीदी जी हैं, तो देखने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटी बच्ची हो क्या? अरे यार हाइपर मार्केट को उसको घुमा दो। तो चलो सीधे चलते हैं हाइपर मार्केट में। वहाँ भी जब नया नया खुला तो 60% ऑफ था, हर ब्रांड पे ऑफ था, लेकिन इसमें क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। चलो फिर अंदर चल के दिखाते हैं।
बैठना नहीं अलाउड है क्या? मार्केट पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब बदल गया, पहले जब तक इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी कि पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन इस समय पूरा का पूरा सन्नाटा है और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इधर से चलें, इधर आओ, इधर ही चलें। क्या रहे फिर, क्या घूर घूर के देख रहे हैं अपने को, कुछ कार्टून आर्टून लग रहे हैं क्या? भैया यहाँ पे तो 199 का सेब लिखा, लेकिन ये देख रहे ना कितना ज़्यादा सेब ख़राब है, कौन खरीदेगा 200 रुपए में? और कुछ सही हैं कुछ ख़राब हैं। फिश लैम्ब चिकन, तो भाई लोग अपने साथ नॉनवेज वाले ना, तो उनको नॉनवेज दिखा देते हैं भाई। कितनी बड़ी बड़ी मूछें यार भाई, यहाँ खरीदने वाले कम हैं और देखने वाले ज़्यादा हैं। जैसे कि उन सब में मैं भी आता हूँ, मैं भी बस केवल देखने ही आया हूँ, खरीदने नहीं। तो भाई कुछ दिखा रहा है मेरा, ये क्या जाना पहचाना नहीं लग रहा, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मटन टेस्टिकल क्या है भाई, मेरे को पता नहीं, कमेंट करके बताना जो भी होगा। ये नहीं पता चला, तो ये था हाइपर मार्केट में सबसे खास जो है ना नॉन वेज सेक्शन है, सबसे खास, ऐसा इंडिया में कहीं भी नहीं है। और तो सब कुछ स्पेंसर हो गया, बिग बाजार हो गया, हर जगह मिल जाएगा। छन्नी लगी है दूध छानने के लिए, देखो भाई हम लोग दुबई में आ गए, दुबई में इतना बड़ा हाइपर मार्केट, ऐसा मैं नहीं ऐसा ये कह रहा है क्योंकि ये पहली बार आया ना, क्योंकि मैं भी दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा यार, क्योंकि अपन ठहरे पंडित आदमी, वेज तो कहाँ खास लगेगा। इन लोगों को पसंद है क्योंकि इन लोगों को नॉनवेज सेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ना यहाँ का, इसीलिए इन लोग को पसंद आया। क्यों बढ़िया लगा ना, ठीक है, पूछते हैं कैसा लगा हाइपर मार्केट। भैया हम लोग पूरा मार्केट घूम चुके हैं, मार्केट क्या लुलू मॉल घूम चुके हैं। सीधे चलते हैं नीचे, अंडरग्राउंड पार्किंग है, अपनी आया भूसा उठाते हैं और टाटा बाय बाय हो जाते हैं। टाटा, डर लगता है यहाँ मॉल में चिल्लाने से, कहीं गार्ड लोग आ ना जाएं, लट ले जाए मारने के लिए।